हेलो राइडर्स, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में लॉन्च होने वाली टॉप 4 अपकमिंग बाइक के बारे में जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और आज जो बाइक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी बाइक का लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है और कुछ बाइक के टेस्टिंग पे चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि सभी बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, इन बाइक का प्राइस क्या होगा, बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील। बात करके सबसे पहले बाइक के बारे में, तो वो है होंडा की CB500। बाइक के अगर फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 471cc का ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल इंजन होगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 46.9 PS की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 43 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न वर्टर, नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्ट, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स। ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन होगा। अगर हम बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक 5 लाख के ऑनरोड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक 2024 के मिड में देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 3 वाली बाइक के बारे में बात करें तो वो हीरो हार्ले के कोलैब में आने वाली X210। इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया, जिसमें इस बाइक की जो डिटेल है वो भी लीक हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम बाइक के सबसे पहले लुक के बारे में बात करें तो बाइक का जो लुक है बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप का LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न वर्टर, नेविगेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 210cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 25.1 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 20.5 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको USD फोक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के मिड में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,80,000 के एक्सोरूम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। अगली बाइक के बारे में बात करें तो वह होंडा कंपनी की तरफ से CBR 300R। सबसे पहले अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 286cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 30.4 BHP की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 27.1 Nm। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ये बाइक 20-25 KMPL का माइलेज आराम से दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे। बाइक का जो कर्व वेट है वो 164 kg है। बाइक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक 2,30,000 के एक्सोरूम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक 2024 के अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगा। अगली बाइक के बारे में बात करें तो वह बेनेली 302S। सबसे पहले बात करें बाइक के फ्रंट लुक के बारे में तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें बाइक के इंजन के बारे में तो बाइक में आपको 300cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 37 BHP की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 26 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको 260mm के डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाइक के रियर में आपको 240mm के डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स। बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको इन्वर्टेड फोक सस्पेंशन और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको 16 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगा। ये बाइक सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग 25 KMPL का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक E20 मॉडल के साथ देखने के लिए
लेगा जो कि V6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर हम उस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च रेट के बारे में बात करें तो ये बाइक 2024 नवंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर उस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक 3.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगा इंडिया में। दोस्तों आपको इन सभी बाइक में कौन सा बाइक अच्छी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन